गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम जा रहे थे ऑडिशन के लिए। दो जगह जाना था मेरे को, एक जाना था महाड़ा SVP नगर और एक जाना था ग्रैंड रोड जो कि मुंबई सेंट्रल के पास में है। तो एक लोग अभी मिले थे तो वो बता रहे थे जो महाड़ा में है SVP नगर में फैशन कास्टिंग के नाम से है, तो वो बता रहे हैं फेक है और वो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर पैसे चार्ज करते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते हैं। तो मैं वहाँ पर जाने वाला नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है जाने का, क्योंकि जब पता ही चल गया और मेरे को वैसे भी लग रहा था क्योंकि आज संडे है और संडे में कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे नहीं आता है ऑफिस में, इसलिए मेरे को पहले से ही फेक लग रहा था। लेकिन एक लोग ने बताया कि वो फेक है, पैसे बाद में चार्ज करते हैं। बट लेकिन अभी मेरे को जाना है ग्रैंड रोड जो कि मुंबई सेंट्रल के पास में है, वहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर से मेरी मीटिंग है, मतलब मिलना है उनसे, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। तो संडे वहाँ भी है, मेरे को वो भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि संडे को काफ़ी मतलब सब कुछ बंद रहता है, जितने प्रोडक्शन हाउस और कास्टिंग डायरेक्टर सभी छुट्टी पे रहते हैं। तो फिलहाल एक बार तो चलना है एक्सपीरियंस के लिए, पता चले क्या है फेक है या कैसा है क्या सही है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी बस स्टॉप पे आ गए हैं, पीछे बस स्टॉप है। अभी यहाँ से हमको जाना है अंधेरी स्टेशन से वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़नी है, फिर लोकल ट्रेन से सीधे ग्रैंड रोड से फिर जाना है, कोई मॉल है हॉल है मतलब उसी के पास में जाना है। तो चलिए आपको पूरा दिखाएंगे ब्लॉग और मेरे साथ बने रहिएगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा फेक है या जेन्यून है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम बस स्टॉप पे पहुंच चुका था और पास में ही स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी पास ही में है। तो अभी बस से आ गए थे, बस मैंने टिकट भी आज मेरा नहीं काटा, मैं सो गया था, उसी में टिकट काटने के लिए आया हुआ कंडक्टर, तो उसने मेरे को शायद जगाया नहीं। मैंने जानबूझ के, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के नहीं कटाया, फिलहाल मेरा टिकट नहीं कटा। तो अभी चलो स्टेशन पे चलते हैं, पास में ही स्टेशन है, ये पीछे स्टेशन ही है और ये पीछे जो है पीछे बस स्टॉप है। तो स्टेशन पे चलते हैं, फिर लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधे ग्रैंड रोड। तो भी मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन पर आ गया था, अभी पीछे टिकट घर है, वहाँ पर टिकट ले लेते हैं। बस का तो लिया नहीं क्योंकि उसने टिकट दिया ही नहीं, तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं टिकट। तो भी हमने टिकट तो ले लिया था, अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, वहीं से मिलती है चर्च गेट के लिए, वो जाती है ग्रैंड रोड तक, जो चर्च गेट के लिए जाती है वो ग्रैंड रोड भी जाती है। तो चलो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे चलते हैं, यही पीछे मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, उसी पे चलते हैं। था अभी जाना है मेरे को टैक्सी पकड़ना है, ग्रैंड रोड ईस्ट में जाना है, उसके बाद शेयरिंग टैक्सी से जाना है क्योंकि सर ने बोला है टैक्सी से आप आ सकते हैं क्योंकि वहां से उसका 10 रुपये ही चार्ज पड़ता है। तो फिलहाल मुझको शेयरिंग टैक्सी पकड़ना है, उसके बाद जाना है डॉन टाकी ऐसे करके कुछ है, अगर कुछ गलत होगा तो आप लोग जानिएगा, फिलहाल डॉन टाकी मेरे हिसाब से एड्रेस है, वहीं पर जाना है शेयरिंग टैक्सी से। तो चलो अभी चलते हैं, शेयरिंग ऑटो पकड़ते हैं फिर उसी से चलते हैं। डॉन टाकी पहुंच चुका था, अभी जाना है मेरे को जमुना दास बिल्डिंग के पास में, वहीं शायद उनका ऑफिस है, ऑफिस या घर हो जो भी हो, जमुना दास बिल्डिंग में वो रहते हैं, वहीं पर उन्होंने बुलाया है। तो यहाँ डॉन टाकी के पास से लगभग 200 मीटर दूरी पे है, तो पैदल चल सकते हैं, इतना 5 मिनट का रास्ता है। तो चलो चलते हैं जमुना दास बिल्डिंग, वहीं मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा क्या रहा। तो फाइनली अभी हमारे वसी सर से मैं मिल चुका था, तो वसी सर से लगभग मैं 2-3 घंटा उनके पास में बैठा, काफ़ी मिल के अच्छा लगा। तो अभी मैं वापस जा रहा था रूम पे मतलब, तो अभी जो ये पास में डॉन टाकी करके है, दो टाकी करके है उसी पास में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के बिहाइंड मतलब पीछे ही उनकी बिल्डिंग है जहाँ पे आप उनसे मिल सकते हैं। तो फिलहाल पूरा एड्रेस और पूरी जानकारी हम आगे देंगे क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब जो गाड़ियों की आवाज़ है वो आ रही है, तो स्टेशन पे चल के आपको सारा बताएंगे स्टेशन पे आराम से बैठ के शांति से। तो चलो पहले चलते हैं टैक्सी पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ के सीधे स्टेशन पे चलते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ बताएंगे यहाँ के क्या हुआ क्या प्रोसेस है, यहाँ सिलेक्शन का सब कुछ बताएंगे। चलिए चलते हैं पहले स्टेशन पर। तो ये रही हमारी पीछे टैक्सी, अभी इसी टैक्सी से बैठ के हम सीधे स्टेशन पे चलेंगे। तो वहाँ हमारे अंधेरी में जो है ना वहाँ पे तो बसें चलती हैं, लेकिन यहाँ पे बस नहीं है क्योंकि काफ़ी घना मतलब जो है ना एरिया जो है ना काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है, मार्केट टाइप का है, तो इसलिए यहाँ पे बसें बहुत कम ही हैं, टोटल टैक्सी ही है। तो इसी टैक्सी में जो पीछे इसी टैक्सी से बैठ के अभी स्टेशन पर चलते हैं, वही आपसे सारी बातें करते हैं यहाँ का जो भी हुआ हमारे साथ, जो भी सब कुछ बताएँगे सारा प्रोसेस। तो चलिए पहले स्टेशन पर चलते हैं। Thank you.
फाइनली गाइस अभी हम अपने रूम पे पहुंच चुके थे यानी वर्सोवा विलेज को। तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि कैसे कास्टिंग होती है, क्या होता है। तो आप जब ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे उसके बाद आप टैक्सी पकड़ेंगे डॉन टाकी के लिए, जो कि आपसे 10 रुपये लेगी। वो डॉन टाकी पे उतारेगी, उसी के पास में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के पीछे जमुना दास बिल्डिंग है। जमुना दास बिल्डिंग में 127/9 करके एक है, तो वहाँ पर वसी सर हमारे रहते हैं जो कि फैशन शो के लिए लड़कों को कास्ट करते हैं। उनका फैशन शो होने वाला है जो कि जून के सेकेंड वीक में होगा और उसका ऑडिशन अभी अप्रैल के सेकेंड यानी लास्ट वीक तक होना है। तो उसका ऑडिशन का पहले ही कुछ दिन अपडेट बता दिया जाएगा डेट जो भी है, जिससे आपको तैयारी करने का मौका मिल सके। तो उस फैशन शो में काफ़ी सारे डिज़ाइनर और फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। तो इस फैशन शो के विनर प्राइस है 5000, 4000 से 5000 कर है, जैसा कि सर ने हमसे बताया है 4000 से 5000 तक है विनर प्राइस। तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटी भी आएंगे, डिज़ाइनर भी आएंगे और फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग आएंगे जाने माने। तो आप उसके लिए आप जाके एक बार वहां पर विज़िट कर सकते हैं और वसी सर से बात कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है सब कुछ वो आपको समझा देंगे। बाकी अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर चाहिएगा उनका तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा या फिर मतलब कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उनको आपका नंबर दे दूंगा, मतलब उनका नंबर आपको दे दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेफरेंस पूछेंगे तो आप यो यो एस वी बता सकते हैं, जो कि हमारा नाम है यो यो एस वी, तो आप उनको बता सकते हैं जिससे वो पहचान सके किसके रेफरेंस से आप आए हैं। तो आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए जिससे दूसरों के पास भी जानकारी ये पहुंच सके। तो आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।